मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोजू अब तक जमकर भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब मोहम्मद मोजू खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल मोजू ने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद मोजू पर तानाशाह होने के आरोप लग रहे हैं। हुआ ये कि कैबिनेट के 4 सदस्यों को लेकर विपक्ष की मंजूरी न मिलने की वजह से मालदीव की संसद में जमकर हंगामा हुआ और सांसदों के बीच मारपीट हो गई। मोजू के भी सांसद इस मारपीट में शामिल थे। अब विपक्षी दलों का कहना है कि उनके पास मोजू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त समर्थन है और वो जल्द ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको यहां बता दें कि मालदीव की संसद में विपक्षी पार्टी MDP यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि मोजू पर महाभियोग चलाने के लिए उसने पर्याप्त हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए हैं। मालदीव की मीडिया के मुताबिक MDP के एक सांसद ने बताया कि दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर मोजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। आपको यहां बता दें कि एक दिन पहले ही मालदीव की संसद का वीडियो सामने आया था। इसमें पक्ष और विपक्ष के सांसद भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल चीन समर्थक मोजू और विपक्षी दलों के बीच कैबिनेट मेंबर्स की मंजूरी को लेकर मतभेद है। MDP ने 4 सदस्यों को मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद मोजू के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद सांसद अब्दुल हकीम शाहिम और अहमद ईसा आपस में भिड़ गए। शाहिम को चोट भी आ गई। झड़प के दौरान वो लड़ते लड़ते स्पीकर की चेयर तक पहुंच गए। MDP और डेमोक्रेट्स ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो मोजू कैबिनेट के लिए 4 सदस्यों को मंजूरी नहीं देंगे। वही मालदीव में मोजू की भी गठबंधन सरकार है, ऐसे में उन्हें पर्याप्त सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। स्पीकर पर आरोप लगाया गया कि विशेष पार्टी का समर्थन करने के लिए वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इतने नहीं, आपको यहां बता दें कि भारत के विरोध को लेकर मालदीव का विपक्ष चिंतित है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी मोजू के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया था। जब से मोजू और भारत आमने सामने आए हैं, तब से ही मालदीव का विपक्ष सत्ता पर ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। बीते साल 17 नवंबर को राष्ट्रपति बनते ही चीन समर्थक मोजू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।